गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टडी इन इंग्लिश प्राइमर. ओके, आज हम इंग्लिश प्राइमर में पढ़ाई करेंगे. ओके, एवरीवन टेक आउट योर बुक इंग्लिश प्राइमर. ओके, लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे लिखा है लेट्स रिसाइट. लेट्स रिसाइट मीन्स बोलना, इसको बोलेंगे हम और लर्न भी करेंगे साथ में. ए फॉर एक्वेरियम, इसकी स्पेलिंग लर्न करेंगे. बी फॉर बियर, सी फॉर कैटरपिलर, डी फॉर डेज, ई फॉर ईगल, एफ फॉर फेदर, G for goat, H for helicopter, I for ice cream, J for jam, K for kite, L for lotus. Next page पे M for mobile, N for nut, O for oven, P for pencil, Q for queen, R for radio, S for sandwich, T for tub, U for umbrella, V for van, W for water, X for xylophone, Y for yes, Z for chip. Okay? इसको हम पढ़ेंगे और अपनी इंग्लिश की कॉपी में अल्फाबेटिकल वर्ड्स ए टू जेड जितना भी बुक में दिया है उसको हम अपनी कॉपी पे राइट करेंगे और उसकी स्पेलिंग को हम लर्न करेंगे. ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. और एंड वन मोर थिंग, आप कॉपी पे अब यहाँ बुक के ऊपर सी डब्ल्यू और डेट मेंशन करना नहीं भूलिएगा. ओके, यहाँ पे दिया लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द फर्स्ट लेटर. यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं, इसके फर्स्ट लेटर को हमको राइट करना है. पी फॉर क्या होता है, पी फॉर पेंसिल, यू फॉर अम्ब्रेला, जे फॉर जैम, सी फॉर कैटरपिलर, डी फॉर डिस, जेड फॉर जिप, ओ फॉर अवन, के फॉर काइट, एम फॉर मोबाइल, वाई फॉर याच, जेड और एस फॉर सैंडविच, जी फॉर क्या होता है, जी फॉर गोट. ओके, यहाँ पे बस पिक्चर्स का फर्स्ट लेटर हमको राइट करना है और जो भी लेटर हम राइट करेंगे सब कर्सिव में ही राइट करेंगे. और सी डब्ल्यू डेट डालना नहीं भूलिएगा आप डेली, ये वर्क पे सी डब्ल्यू डेट मेंशन होना चाहिए. इसको अच्छे से कॉपी करके हमको ग्रुप में सेंड करिएगा. ओके, थैंक यू.